पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर भरतपुर में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है। पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा गिरधारी तिवारी ने बताया कि वे एक होनहार नेता थे। भले ही वे बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रहे, लेकिन उनका भरतपुर की जनता से लगाव हमेशा से रहा। पूर्व विधायक भाजपा नेता विजय बंसल का कहना है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के दलित वर्ग के वे बड़े नेता थे। दलित के उत्थान के लिए हमेशा से काम किया करते, हमेशा आगे रहते। वहीं कांग्रेस और भाजपा समेत कई नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त कर पहाड़िया को याद किया। तो जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर शोक की लहर है और सभी का कहना है कि भरतपुर की जनता से हमेशा से ही उनका लगाव रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के नेताओं और मंत्रियों ने उनके जाने पर संवेदनाएं व्यक्त की है। आदरणीय, वो बहुत ही मतलब गरीबों के और दलितों के तो मसीहा थे साहब, मतलब बहुत ही बढ़िया अच्छे आदमी थे। उन्होंने जो दलितों के लिए किया है वो शायद कोई कर पाएगा। भरतपुर के लिए उन्होंने जो वो समर्पित रहे थे, हमेशा दलितों के साथ रहे थे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहे तो उसके बाद आपका मिलना जुलना हुआ? हाँ, मुख्यमंत्री जब भी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री रहे, गवर्नर हरियाणा रहे, गवर्नर बिहार रहे, मेरा आना जाना रहा और उन्होंने वही प्यार जो एक छोटे बच्चे को देते थे वही प्यार हम लोगों को दिया। कोई मान सम्मान में उन्होंने हमारी लिए कमी नहीं आने दी, हर संभव हमारे तत्पर रहते थे। हमारे लिए बहुत कुछ किया उन लोगों ने और वो हमें हमेशा याद रहेंगे। उनकी जीवन की कहानी बहुत ही बड़ी कहानी है, ऐसे बहुत कम आदमी मिलते हैं। जिले के दलित समाज से वरिष्ठ कांग्रेस के नेता रहे, छोटी उम्र में वो सांसद बने नेहरू जी के टाइम में, उसके बाद दो बार सांसद के रूप में उन्हें राज्य मंत्री उप मंत्री संचार उप मंत्री का मौका मिला 73-74 में, 71 में जीत के गए, तभी से हमारे उनके साथ संबंध प्रगाढ़ हुए उपमंत्री के रूप में। उसके बाद जब सरकार चली गई, जनता शासन आया, तो जनता शासन के दौरान फ्रंटियर मेल से जब वो वहाँ से आए दिल्ली से, तो मैं उनको लेने स्टेशन पर पहुँचा और मेरे साथ वो रिक्शे में, उस वक्त जनता जो आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए जनता राज में, मेरे साथ रिक्शे में वो आए, रिक्शे में मैं उनको लेकर गया सर्किट हाउस तक। उसके बाद विभिन्न समय पर हमारा उनसे मेल मिलाप होता रहा। एक होनहार नेता थे, भरतपुर राजस्थान पर पूरे देश को क्षति है। विद्यार्थी राजनीति से राजनीतिक गतिविधियां शुरू करी, एक सिद्धांतवादी और अच्छे नेता रहे हैं, बड़े दृढ़ इच्छा शक्ति के और भरतपुर के विकास में भी योगदान रहा है, राजस्थान के विकास में भी योगदान रहा है, कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। निश्चित रूप से एक दलित वर्ग के होने के नाते उन्होंने उच्च स्थान पाए। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान आदरणीय जगन्नाथ पहाड़िया जी के निधन पर मैं बहुत शोक व्यक्त करता हूँ। वो राजस्थान भरतपुर ही नहीं, हिंदुस्तान के दलित वर्ग के एक बहुत बड़े नेता थे, जिन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा काम किया। उन्होंने भरतपुर का नाम रोशन किया, मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, केंद्रीय मंत्री रहे और पूरे जीवन संघर्ष किया। उनके निधन पर भरतपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक कार्यकर्ता के रूप में उनके नेतृत्व में की और उनका हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। बहुत ही सरल, सज्जन और मधुर ब्रजाश्री थे। आज हमारे बीच में वो नहीं रहे। ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने संगठन के रूप में भी पार्टी को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी महान शख्सियत को, कि आत्माओं को शांति प्रदान करें।